यूपी के सीएम योगी की पुलिस एक्शन में है। गाजियाबाद में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाशों का पुलिस ने कोस इलाके में पीछा किया और गोली मार दी। एक बदमाश फरार हो गया। आपको बता दें कि मेट्रो स्टेशन के पास बदमाशों ने एक शख्स से लूट की थी। गाजियाबाद के कोस वैशाली इलाके में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जहां पर वैशाली मेट्रो स्टेशन से उतरकर आ रहे शख्स से बदमाशों ने लूट की और फरार होने के लिए भागे, लेकिन पुलिस भी उन्हीं के पीछे थी। बदमाशों ने पुलिस को चकमा देने के लिए एक सुनसान इलाका चुना और मुड़ गए, लेकिन पुलिस ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग की। बदमाश भी पुलिस पर फायर करने लगे। बता दें कि पीड़ित कारोबार करता है और वैशाली मेट्रो स्टेशन पर कोई उसे लेने आने वाला था, जिसका वो इंतजार कर रहा था। तभी बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर उसका बैग लूट लिया और फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने 100 नंबर पर कॉल कर घटना की सूचना दी और उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। फायरिंग में से बदमाशों में से एक को गोली लगी, बदमाश वहीं गिर गया और दूसरा भाग निकला, लेकिन पुलिस ने उसका पीछा किया। तमाम बॉर्डर सील कर दिए गए। घायल बदमाश को अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। आज लगभग करीब 10 बजे के आसपास सतीश कुमार नामक एक व्यक्ति हैं, जो दिल्ली में नौकरी करते हैं, वहां से वैशाली मेट्रो स्टेशन पे उतरे अपने घर कृष्णा विहार गोविंदपुरम जाने के लिए। लगभग 10 बजे के आसपास वहां भूषण स्टील लाल बत्ती पे वेट कर रहे थे अपने किसी परिचित का, उसका लिफ्ट लेकर के घर जाने के लिए। दो बदमाश लाल रंग की अपाचे मोटरसाइकिल से, उनके पास तमंचा था, तमंचा दिखा करके इनका बैग छीन लिए और बैग छीनने के बाद वहाँ से भागे। इन्होंने तत्काल 100 नंबर पे पुलिस को सूचना दिया। पुलिस हमारी चेकिंग में थी, वैशाली मेट्रो के पास भी हमारी PCR चेकिंग कर रही थी। तत्काल पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी की और इस गाड़ी को चेज किया। लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास वहाँ से भागे होंगे। 4-5 नंबर पुलिया जो थाना इंदिरापुरम क्षेत्र की है वैशाली की, इसके पास पुलिस पार्टी ने इनके काफ़ी करीब जब पहुँच गई, पुलिस ने इनको ललकारा, तो जब अपने आप को घिरा देखे इन्होंने, तो इन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया। पुलिस बाल बाल बची और आत्मरक्षार्थ पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी पैर में। सर, बदमाश का क्या प्रोफाइल है, कौन है, कहां का, क्या? एक बदमाश चांद नाम इसका है, इसके पिता का नाम आसम मोहम्मद है, लगभग 22 वर्ष इसकी उम्र है और इस्लाम नगर का रहने वाला है, गाजियाबाद का। और दूसरा इसका साथी जो फरार हुआ है, उसका नाम शाहरुख है, वो हिंडन विहार थाना साहिबाबाद क्षेत्र का रहने वाला है। सर, जांच में ये निकल कर आया कि सबसे पहले इन्होंने कितनी वारदातों को यहाँ पे अंजाम दिया है? अभी तो इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग पता कर रहे हैं, अभी वो ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है, उसकी हालत स्थिर है। सर, किस तरीके हथियार से मिला है, कितनी फायरिंग इन्होंने की है? इसके पास से एक तमंचा मिला है और दूसरा इसका जो साथी फरार हुआ है उसके पास भी असला था और 2 खोखा कारतूस भी मौके पड़े हुए हैं, जो इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया। सर, 2 बदमाश बताए जा रहे थे, एक बदमाश पुलिस के हाथ से निकल गया, उसके लिए क्या कॉम्बिंग चल रही है और क्या उसके लिए चेकिंग अभियान जो पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है? जो बदमाश फरार हुआ है उसके लिए इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के साथ साथ जो गाजियाबाद के इंदिरापुरम के सटे हुए थाना क्षेत्र हैं, उन सभी PCR को, सभी PRB को, सभी चौकी इंचार्ज थानों को अलर्ट कर दिया गया है। इसकी कॉम्बिंग की जा रही है और इसको भी शीघ्र ही उसका पता भी आइडेंटिफाई करके उसको भी गिरफ्तार किया। एक बात साफ है कि बदमाशों का सॉफ्ट टारगेट मेट्रो स्टेशन हो गए हैं। इस पर अब पुलिस को ध्यान देना होगा। पिछले दिनों से इलाके में स्नैचिंग और मोबाइल लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। आज की मुठभेड़ से साफ है कि योगी की पुलिस बदमाशों से सख्ती से निपटने के मूड में है। गाजियाबाद से राशि चौधरी की रिपोर्ट।